तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है और इसको हम अनबॉक्स करेंगे। इसमें जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या है तो इसमें है यार आईफोन 13 का यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अगर आप नॉर्मली मार्केट में जाते हो तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे 200-300 पे यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। बट यहाँ गैजेट शील्ड के यहाँ पे टेम्पर ग्लास की बात करूँ यहाँ पे एक्स क्लास अल्ट्रा को लेके तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग ग्लास मिलता है। यहाँ पे अल्ट्रा की बात करो तो यहाँ पे 2x री इन्फोर्स यहाँ पे आपको एजेस देखने मिलते हैं। बात करो यार नॉर्मल टेबल से तो आपको 3x की प्रोटेक्शन देता है 9h के हार्डनेस के साथ यहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पे एक्स क्लास प्लस को लेके तो यहाँ पे जो एल्यूमिनेट ग्लास यहाँ पे ये बना हुआ है नॉर्मल आपको अगर देखने जाए तो यहाँ पे 2x प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने मिलेगा नॉर्मल टेम्पर की बात करूँ तो यहाँ पे, और दोनों जो है 9h के हार्डनेस के साथ यहाँ पे आता है। अगर बात करूँ यहाँ पे स्पेक्स को लेके तो यहाँ पे आप अल्ट्रा के भी स्पेक्स यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन वीडियोस की बात करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप जाके यहाँ पे अगर आप स्कैन करते हो तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो अगर आप देख सकते हो, और नॉर्मल बात करते हो यहाँ पे 1399 प्राइस यहाँ पे आ रहा है। बट आप अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हो जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको अपडेटेड जो प्राइस है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, तो जाओ चेक करो यहाँ पे दोनों के जो आपको जो भी अपडेटेड प्राइस होगी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट में जो है दोनों टेम्पर को यहाँ पे हम लगाने वाले, तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा यार एक्स क्लास यहाँ पे प्लस को लेकर के। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनसाइड जो बॉक्स है यहाँ पे अगर बात करूँ प्लस वाले को लेके तो इसमें यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ में अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है यहाँ पे एक क्लीनिंग किट, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है। आई थिंक ये दिया गया है यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे आप जब लगाओगे। एंड यहाँ पे आप मेनली जो हमको यहाँ पे देखने मिल जाता है यहाँ पे जो टेम्पर ग्लास, तो इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और देखेंगे यार इसको कैसे आप लगा सकते हो। तो पहली चीज़ जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जो यहाँ पे इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको पहले क्लीन करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लीनिंग किट में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है। अगर बात करूँ यहाँ पे क्लीनिंग किट को लेके तो यहाँ पे आपको एक टिशू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टिशू के साथ अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो टिशू के साथ यहाँ पे हमको देखने मिल जाएगा यहाँ पे वेट वाइप्स, और ये चीज़ आई थिंक कि आपको दिया गया है यहाँ पर डस्ट रिमूवल के लिए, आप चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पहली चीज़ हमको ये करना है इसको क्लीन कर लेना है यार वेट वाइप से, और जैसे ही वेट वाइप से आप इसको पूरा क्लीन कर लेते हो और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे टिशू से इसको यहाँ पे क्लीन करने की कोशिश करेंगे टिशू पेपर से जो अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे आप इसको क्लीन कर लेते हो यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड किया गया है फ्रेम, इस फ्रेम को यहाँ पे आपको इसको जो इंसर्ट करना है, और जैसे यहाँ पे इंसर्ट करते हो अच्छी तरीके से उसके बाद ही जो यहाँ पे आपको क्या करना है जो टेम्पर ग्लास को इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जब भी आप टेम्पर ग्लास को यहाँ पे अप्लाई करते हो मेक श्योर यहाँ पे आपका कवर के साथ यहाँ पे आ जाना चाहिए। एंड आपको जो फ्रेम जो दिया गया यार इस फ्रेम को जो आप इसीलिए यहाँ पे आपको दिया गया ताकि आप अच्छे तरीके से जो है टेम्पर को आप लगा पाओ। और ऐसे ही देखो अगर आप जैसे लगा रहे हो आपको लगाना है, और जैसे यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर लेते हो और कवर करने के बाद इसको आसानी से जो इसको यहाँ पे इसको रखो और धीरे से यहाँ पे आप इसको निकालने की कोशिश करो, देखो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको लगता हुआ दिख जाएगा। और जैसे ये लग जाता है आपको सिंपली क्या करना है जो आप देख सकते हो ये फ्रेम को जो है यहाँ पे हटा देना है, और जैसे यहाँ अगर आप फ्रेम हटाओगे तो ये चीज़ अच्छे तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आने वाला। एंड मेरा एक्सपीरियंस अगर बात करूँ यहाँ पे तो यार मेरे को खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है मैंने यहाँ पे टेम्पर ग्लास यहाँ पे लगाया है, तो आप जैसे मैं लगा पा रहा हूँ तो आप भी लगा सकते हो। एंड ओवरऑल बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ही इजी था, आप खुद भी यहाँ पे इस चीज़ को लगा सकते हो। और टेम्पर ग्लास की बात करो तो यहाँ पे मेरे को कोई यहाँ पे इशू नहीं दिख रहा है और बहुत ही सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमने तो प्लस तो लगा लिया, एंड नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे जो इसका अल्ट्रा वाला टेम्पर है वो भी लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्ट्रा को लेकर के तो यहाँ पे अगर इसमें खोलने की कोशिश करूँ तो देखेंगे इसमें क्या प्रोवाइड किया गया। प्लस में तो हम लोग को यहाँ पे बहुत कुछ देखने मिल रहा था, बट अगर बात करूँ यहाँ पे अल्ट्रा को लेके तो यहाँ पे जो आपको नॉर्मल टेम्पर से बात करो तो यहाँ पे आपको 3x का यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। नॉर्मल अगर बात करो प्लस को लेके तो सेम अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लीनिंग किट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे अगर आप बात करो यार इस वाले को लेकर के अल्ट्रा वाले को लेकर के तो सेम यहाँ पे हम भी क्लीन वगैरह करेंगे जिससे हमने यहाँ पे प्लस पे किया था। एज मैं यहाँ पे क्लिस को क्लीन कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, और जैसे ये क्लीन हो गया है इसके बाद हम क्या करने वाले जो इसको जो यहाँ पे लगाने वाले हैं, और आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है जो आप ये देख सकते हो ब्लैक वाला इसको यहाँ पे खोलना है, और अपने फ़ोन पे अगर आप देख पाओगे तो इसको एडजस्ट यहाँ पे करना है, और एडजस्ट एकदम सही से करना है यहाँ पे, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है अच्छे से यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है और ये जो आप देख पा रहे हो उसको खींच देना है, और जैसे यहाँ पे आप इसको पूरा कर लेते हो अच्छे तरीके से मेक श्योर यहाँ पे आपको जो लॉक वगैरह हैं इनको यार यहाँ पे खोल लेना,
और नीचे की तरफ से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि आप मैंने लॉक नहीं खोला था। तो अगेन यहाँ पे आपको नीचे भी यहाँ पे क्या करना है, लॉक को अच्छे तरीके से खोल लेना है। और जैसे यहाँ पे आप खोल लेते हो, इसको भी आपको धीरे से यहाँ पे खोलना है, और खोलते के साथ में आप देख पाओगे अच्छे तरीके से जो हमारे यहाँ पे लग चुका है टेम्पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मेरे को यहाँ पे सही लगा। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे जैसे टेम्पर यहाँ पे लगा हुआ है। ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कि आप देखने जाते हो नॉर्मल टेम्पर को यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे प्लस और अल्ट्रा में आपको 2x एंड 3x तक की प्रोटेक्शन आपको देखने मिलता है, जो नॉर्मल टेम्पर के साथ आपको देखने नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्राइस बट आपको हाई दिखता है, बट अगर आप यहाँ पे एक प्रीमियम फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक बार चेकआउट यहाँ पे करना चाहिए। एंड जो भी आपको लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप यहाँ के यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट में। अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।